हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैरियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। तो यार, एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ कैंपस ड्राइव आ रही है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कौन कौन से ईयर वाले एलिजिबल हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार चैनल के बारे में बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड चैनल पर अपलोड कर रखी है, ताकि आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वोल्वो, एसेंचर, थॉटवर्क्स, फाइनेट, एंगुलर माइंड, सेल्सफोर्स जैसी बिग कंपनी हायरिंग कर रही है काफ़ी बिग पैकेज के साथ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप नए हो वीडियो पे, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना और लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लेना। और जैसा कि आप सबको पता है, चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली के मेम्बर हैं, सबको यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब जो नेक्स्ट टारगेट रखते हैं 5000 सब्सक्राइबर का रखते हैं, और फटाफट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आ रही है एयरबस कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, बिग रोल के लिए हायरिंग कर रही है। लोकेशंस की बात करें, बेंगलुरु लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है। एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एनयू ग्रेजुएट्स यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रांच नहीं मेंशन की गई है, कोई पर्टिकुलर ग्रेजुएशन ब्रांच नहीं मेंशन की गई है, कोई डिग्री पर्टिकुलर नहीं मेंशन की गई है। एनी ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे बैचेस की क्राइटेरिया होने वाला, अगर आप 2021 या 2022 बैच की स्टूडेंट हो तो एयरबस जैसे बिग कंपनी में अप्लाई कर सकते हो फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियरिंग रोल के लिए। जॉब की बात करें, जॉब टाइम में फुल टाइम जॉब होने वाली है। सैलरी की बात करें तो बेस्ट इन इंडस्ट्री पे उस बेसिस पे होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अप्लाई कर देना। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म आपको फिलअप करना है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं। फ्रेशर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए हायरिंग हो रही है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए फुल टाइम जॉब होने वाली है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई। अगर हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम अंडर स्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन डेवलप टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मॉड्यूल्स, एबिलिटी टू लर्न ए मास्टर टेक्निकल फंक्शनल एरिया ऑफ SAP, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू डायलॉग रिप्रोड्यूज एड्रेस एप्लीकेशन इशूज। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। अगर परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया कंपनी के द्वारा मेंशन नहीं किया गया है, बट अगर आपका 60% या उससे अबव है तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो, जाके अप्लाई कर देना। चलो देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है सेंचर कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला है इकोसिस्टम जूनियर डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। अगर आप जूनियर डेटा इंजीनियर में इंटरेस्टेड हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी की तरफ से बिग अपॉर्चुनिटी है। जो लोकेशंस होने वाली बेंगलुरु लोकेशंस के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। एसेंचर काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, एक्सपीरियंस है फ्रेशर्स 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैक्सिमम 2 ईयर का, 1 ईयर का या फ्रेशर हो, 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक एमई एमटेक वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बैच मेंशन नहीं किया गया है, बट अगर आपके पास 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो। जॉब टाइम में फुल टाइम जॉब होने वाली है। सैलरी की बात करें तो बेस्ट इन इंडस्ट्री बेसिस पे होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है एसेंचर कंपनी, और काफ़ी बिग पैकेज ऑफर करती है फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ स्टूडेंट के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का, जाके अप्लाई कर देना इकोसिस्टम जूनियर डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए।
और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी के द्वारा मेंशन की गई, क्वालिफिकेशंस में क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हैव एक्सपीरियंस विथ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ETL, हैव एक्सपीरियंस SQL, पाइथन, डेटा प्रिपेयर, एक्सपीरियंस इन सपोर्टिंग ग्लोबल क्लाइंट एंड इंटरनल स्टेक होल्डर एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, गुड स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, एबल टू डील कॉन्फिडेंटली लाइक टू फुली एंड कंफर्टेबल वर्किंग विद इन ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट विद मल्टीपल एंड इंटरेस्ट ग्रुप, तो आवर कमिटमेंट टू यू। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई। अगर परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के द्वारा कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट अगर आपका 60% या उससे अबव है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो, जाके अप्लाई कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको काफ़ी अच्छी शॉपिंग डील के बारे में बता देता हूँ। अमेजॉन कंपनी में एक बार फिर से वीडियो गेमिंग एक्सेसरीज के लिए काफ़ी अच्छी और बिग डील चल रही है, यहाँ पे लाइव है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको छूट भी मिलने वाली है। अगर 399 पे लगभग काफ़ी अच्छी और बिग छूट मिल रही है। अगर आप JBL क्वांटम अंडर वायर्ड ओवर एयर गेमिंग हेड खरीदते हो तो उसमें भी काफ़ी लगभग 2000-3000 की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, जाके चेकआउट करना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके बाय करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी और बिग छूट होने वाली है अमेजॉन कंपनी की तरफ से। और अभी ये लाइव है, बहुत दिन के लिए नहीं होने वाली है, कुछ टाइम के लिए होने वाली है। अभी भी आपके पास टाइम है, जाके चेकआउट कीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग अगर आप परचेज करना चाहते हो वीडियो गेमिंग एक्सेसरीज, क्योंकि इस टाइम पर वीडियो गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में वो हुई हैं, जाके चेकआउट कीजिए और ख़रीदिएगा बहुत सारी। अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें, थंब ग्रिप की बात करें, केबल्स, एडाप्टर्स, एक्सेसरीज, किट्स, केसेज एंड कवर्स, हेडफोन्स, कंट्रोलर्स, स्किन्स, तो बहुत सारी टाइप एक्सप्लोर बाय द टाइप से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो और फिल्टर भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जाके चेकआउट करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके परचेज करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, KPIT का टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग रोल के लिए हायरिंग कर रही है। लोकेशंस की बात करें तो अक्रॉस इंडिया लोकेशंस के लिए होने वाली, एक्सपीरियंस फ्रेशर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने BBTech कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस में या IT में तो आप सब एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। बैचेस की बात करें, 2022 बैच वाले एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होने वाली एप्लीकेशन की 27 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जो सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 4 लाख पर एनम और मैक्सिमम 6 लाख पर एनम की सैलरी ऑफर कर रही है कंपनी। तो वेट बिल्कुल मत करना, फटाक से आके अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का। सिंपल सा आपको एक KPIT कंपनी का फॉर्म फिलअप करना है रजिस्टर एंड अप्लाई पे, काफ़ी बेसिक चीज़ें होने वाली हैं, जाके फटाक से फिलअप करके सबमिट कर देना। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे टाइम रहते सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो जाके अप्लाई कर देना फटाक से। और चलो देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आ रही है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स कंपनी हायरिंग कर रही है। जो रोल होने वाला है ट्रेनिंग एनालिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। लोकेशन की बात करें, पुणे, हैदराबाद जैसे बिग लोकेशन के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने BBTech कर रखा है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। MCA के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस की बात करें, 2022 बैच के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइम में फुल टाइम जॉब होने वाली है। सैलरी की बात करें तो 8 लाख पर एनम की सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है फॉर फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, तो काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, बिग रोल के लिए हायरिंग कर रही है। और जो सैलरी भी होने वाली है फॉर फ्रेशर के लिए, 8 लाख पर एनम की मिनिमम सैलरी आपको ऑफर हो रही है, जो अपने आप में काफ़ी बिग सैलरी होने वाली है। तो वेट बिल्कुल मत करना, अगर आप 2022 बैच के स्टूडेंट हो जाके फटाक से अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का। ये जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी आ रही है ई-लिटमस के प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अगर आपने अभी तक ई-लिटमस के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं किया है तो क्या फटाक से लॉगिन करना, उसके बाद अप्लाई कर देना, क्योंकि काफ़ी अच्छी और बिग अपॉर्चुनिटी है। 2022 बैच BBTech फ्रॉम एनी ब्रांच आर MCA स्टूडेंट एलिजिबल है। परसेंटेज की बात करें तो एनी परसेंटेज यहाँ पे एलिजिबल है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होने वाला है, तो जाके अप्लाई कर देना। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, अमेजॉन कंपनी हायरिंग कर रही है एक चैलेंजेज बेस पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल के लिए, और जो ये चैलेंजेज होने वाला है डियर टू कंप्यूट के प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। अभी ये लाइव नहीं है, अभी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। लगभग 22,165 स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं, जाके आप भी रजिस्टर कर देना। अभी 16 डेज लेफ्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होने वाली है 7 मई 2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो अभी काफ़ी टाइम है, बट वेट बिल्कुल मत करना, वीडियो को देखने के बाद ही जाके रजिस्टर कर देना। और जैसे ही यहाँ पे चैलेंज लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जाके अच्छे से पार्टिसिपेट करना। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अमेजॉन जैसी प्रोडक्ट और बिग कंपनी में विथ बिग पैकेज के साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए हायरिंग होने वाली है, जाके अप्लाई कर देना। अगर बैचेज की बात करें तो इसमें ये चैलेंजेज बेस पे होने वाला है, अदरवाइज यहाँ पे वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आर इक्विवेलेंट वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस चैलेंज के लिए। और एक्सपीरियंस में अगर आपके पास 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस डेवलपिंग हाई क्वालिटी लार्ज स्केल कंज्यूमर एप्लीकेशंस में, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 2 ईयर का या 1 ईयर का या 0 ईयर का है, अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अमेजॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल के लिए जो हायरिंग हो रही है। और यहाँ पे स्किल की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, मिस्ट्री ऑफ द टूल्स ऑफ द ट्रेड इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जावा स्क्रिप्ट सी सी प्लस प्लस ऑब्जेक्टिव सी पाइथन रूबी आर सी सॉ की नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होती है। तो फटाक से जाके रजिस्टर कर देना चैलेंजेस के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, बिग अपॉर्चुनिटी है 2020-21-22 बैच के स्टूडेंट के लिए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि इसका एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हो। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और नेक्स्ट टारगेट 5,000 सब्सक्राइबर का रखते हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनल कमेंट करते हैं कि मुझे अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो अभी मैं अप्लाई करके क्या फ़ायदा, कोई मतलब ही नहीं है। बट ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना, ये सारी चीज़ें मिथ होने वाली हैं। आप अप्लाई करते रहना, क्योंकि जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तभी और रिज्यूमे के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी शॉर्ट लिस्ट करती है फॉर ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए, क्योंकि रिज्यूमे में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप मल्टीपल कंपनी में अप्लाई करते हो, अच्छी अच्छी कंपनी में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, तो आपको मालूम चलेगा ऑन द बेसिस किस बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो, या आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हो, रिजेक्ट होते हो, तो किस बेसिस पे रिजेक्ट हो रहे हो, जिससे आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फटाक से जाके अप्लाई करना और वेट बिल्कुल मत करना। और कोई क्वेरी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।